लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्कर करने का दुस्साहस करने वाले शराब तस्कर को उस समय महंगा पड़ गया जब मनोहरपुर गांव के एक जाबाज लड़की प्रिया राज ने ग्रामीणों के सहयोग से उक्त तस्कर को खदेड़ कर धर दबोच लिया। दरअसल गांव के समाज से भी प्रिया राज रविवार की दोपहर स्कूटी चलाकर अपने ईंट उद्योग पर जा रही थी, तभी बाइक पर बोरी लेकर फुलहर गांव की ओर 2 से 3 चालक आ रहे थे। शराब तस्कर होने की शंका होने पर तुरंत ग्रामीणों को सूचना देते हुए स्कूटी से पीछा करने लगी। करीब 2 किलोमीटर बाद काफी मशक्कत से दोनों तस्कर को मंगराहट्टा सीमा पर उन्हें ग्रामीण के सहयोग से पकड़ लिया। इसके बाद दोनों तस्कर के पास से शराब को बरामद किया गया, उसे बंधक बनाकर स्थानीय चौकीदार को बुलाया गया। प्रिया राज ने बताया कि करीब 1 घंटे बाद थाना पुलिस पहुंची तो हम लोगों ने 12 बोतल शराब व 2 बाइक समेत दोनों शराब तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिए। गिरफ्तार तस्कर की पहचान खिरियर थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी अविनाश कुमार शुक्ला उर्फ बजरंगी व सुशील मंडल के रूप में किया गया है। इस बाबत में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिक दर्ज कर दोनों व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। वहीं समाज सेवी प्रिया राज ने सरकार के शराबबंदी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। स्कूटी से अपने ईंट उद्योग की तरफ जा रही थी। रास्ते में तभी मैं देखी कि 2 बाइक से बहुत स्पीड में मेरे से क्रॉस किया, लगा कि मेरे स्कूटी को भी उड़ा देगा। लेकिन जब मुझे शक हुआ, उसके बाइक पे बोरी लगा हुआ था, एक आदमी बोरी पकड़ के बैठा हुआ था, तो मुझे लगा, मुझे शक हुआ कि कहीं इसमें शराब तो नहीं है। मैंने उसका पीछा किया, जब पीछा किया तो वो ज़्यादा स्पीड में भाग गया। लेकिन हमने ग्रामीण के सहयोग से उनको फ़ोन किए, ग्रामीण के सहयोग से उनको हम मनोहरपुर और मंगराहट्टा के सीमा पे जाके हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने उसके पास जो बोरी था उसमें देखे तो 40 बोतल शराब था, देसी शराब। उसके बाद हमने उन लोग से बात किए तो पता चला कि वो शराब का काम करता है, बेचता है। फिर हमने कोतवाल से संपर्क किया, उसके बाद थाना को बताया, सभी ग्रामीण लोग उसको बांध के पकड़ के रखे। उसके बाद हमने कोतवाल को उसके हवाले कर दिया। उसके बाद थाना को भी इन्फॉर्म किया, थाना भी आया, थाना उसको लेके चले गए, 2 बाइक और देसी शराब और वो दोनों युवक को भी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है, जब प्रशासन कहती है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो पूरा अलर्ट है, पूरा मतलब उसको सील कर दिया है, तो फिर ये फिर शराब इंडिया आ कैसे जाता है, लोग इसे लेके कैसे आ जाते हैं। ये काफ़ी गंभीर बात है, प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कमी हमें दिख रही है। और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि शराब बंदी है बिहार में, ये वो कहीं धरातल पे नहीं है और कहीं सच्चाई नहीं है। शराब हर जगह मिल रहा है और नेपाल से शराब इंडिया बॉर्डर से क्रॉस होता है, और इसमें प्रशासन की कमी है और प्रशासन सिर्फ दावाएँ करती है। उनकी दावा फैल नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है और लोग सीधा बेफिक्र शराब लेके इंडिया पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ तस्करी की धंधा शुरू कर देते हैं। और जो 25 रुपया में नेपाल में जो शराब मिलता है वो इंडिया में 100 रुपया में बेचते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है, जहाँ कोरोना से लोग जूझ रहे हैं और लोग परेशान हैं। एक तरफ ये शराब बेचने वाला तस्करी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं और प्रशासन कुछ नहीं करती है। प्रशासन सिर्फ कह रही है कि हम अलर्ट किए हैं, सील कर दिए हैं बॉर्डर को, लेकिन कहीं से भी बॉर्डर सील नहीं है। तो आज ऐसी समस्या आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप अपनी जो आपका जो विफल हो रहा है शराबबंदी का, उस पर कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं प्रिया राज, हरलाखी प्रखंड मधुबनी जिला, धन्यवाद।